तो मैं बाहर कैसे, मुझे तो जेल में रहना चाहिए था। ईडी का कोई कागज दिखाइए आप एक जिम्मेदार चैनल है, प्लीज दिखाइए। चलो आप प्लीज ईडी का कागज दिखाइए, किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं? कोई कागज है आपके पास? आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, नेशनल टीवी है, कोई कागज हो तो दिखाइए आप। ईडी का कोई बयान है आपके पास? नहीं, अभी आपने कहा ईडी ने दावा किया, वो बयान कहाँ है? नहीं, बाद में देंगे, आपको बताया उन्होंने उसकी, आपको अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज किया हो भेजिए आप। देखिए मुझे लगता है कि मनोज तिवारी का जो बयान है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत तकलीफ देह है, बहुत पीड़ादायक है। एक दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री को इतनी अछूत भावना से देखती है बीजेपी कि उन्होंने मंदिर में जाके बजरंगबली की पूजा कर ली तो बजरंगबली अशुद्ध हो गए, उनको धोना पड़ा, ऐसा मनोज तिवारी जी कह रहे हैं। मुझे तो लगता है इससे ज्यादा गिरा हुआ, इससे ज्यादा घटिया कोई बयान हो नहीं सकता। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी, ऐसा बयान आप कर रहे हैं तो इससे आपकी मानसिकता जाहिर होती है। अभी भी आप उस युग में जी रहे हैं जहां दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था, जहां मंदिर में दलितों के पूजा करने पर भगवान को धुला जाता था, वही भावना बीजेपी के मन में है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मर्यादा को याद रखो, सेवरी के जूठे बेर खाए थे उन्होंने निषाद राज का सम्मान किया था। श्री राम भी भगवान को अब नहीं बचा सकते, ये भाजपा को अब नहीं बचा सकते। आज जिस प्रकार के उन्होंने बयान दिए हैं, भगवान राम उनको दे। रोलिंग संजय सिंह हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। सर सबसे पहले तो अपना वोटिंग आपने की है, वोटिंग वाला तो करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि उस बार जनता जो है वो काम को वोट देगी। हालांकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए गए थे, उनके पूजा अर्चना को लेकर सवाल उठाए गए थे, उस पर भी उन्होंने कहा और निशाना साधा है कि इस तरीके की टिप्पणियां जो हैं किसी मुख्यमंत्री के लिए करना गलत बात है। खैर, दावा यहां पर जरूर किया गया है कि उनकी जीत जो है, जो उनकी पार्टी की जीत है वो होकर रहेगी, क्योंकि इस बार जनता जो है वो काम को वोट देगी।